कोरोना टीका या कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी देने हेतु मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 24 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन जाहिर हुआ, तब से मैं खुद हमारे हॉस्पिटल में नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 24 मार्च से लेके हमने जो भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वो लिया। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप सीनियर सिटीजन हो, मेरा ये 65 है, तो भी आप प्रैक्टिस मत करो, दूर रहो। मगर हमने सिर्फ मास्क पहन के, जैसा हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं उद्धव जी ठाकरे कि मास्क पहनो, सबसे बड़ा वैक्सीन मास्क है, मास्क पहन के हमने पूरा काम किया और एक भी दिन कुछ भी हमें हुआ नहीं। अभी वैक्सीन आया हुआ है, कोरोना वैक्सीन सब लोगों ने लेना चाहिए। उसके बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कोरोना वैक्सीन जो है, ये कोरोना का टीका जो है, ये कुछ भी तकलीफ देने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बार बार टेस्टिंग करने के बाद में ये अभी सब लोगों को देने के लिए मार्केट में लाया हुआ है। एकदम बारीक सुई से वो दे रहे हैं, इतनी फाइन नीडल है कि मच्छर काटने से जैसा तकलीफ होती है, बस वैसी तकलीफ आपको ये इंजेक्शन के समय होगी। वो भी इंजेक्शन धीरे धीरे देते हैं ना, तो बिल्कुल ही तकलीफ होती नहीं है, कुछ लगता भी नहीं है। आपने इतना ही करना है कि टीका लेने के लिए खाली पेट मत जाओ, कुछ खा पी के जाने का है, 3-4 बिस्किट्स, 2-3 ग्लास पानी पी के जाने का है। खाली पेट गए तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए पेट भर के या खा पी कर वहाँ जाने का है। आपको कोई तकलीफ हो गई, समझो कोई चक्कर वगैरह आ रही है, एक्चुअली वो वैक्सीन से होता नहीं है, वो अपने दिमाग में टेंशन, कुछ होगा क्या, डर, उसके वजह से चक्कर वगैरह आ गए तो लेट जाने का है, वहीं पे लेटेंगे, पानी पियेंगे और थोड़ा बिस्किट खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। 1 लाख में से एक व्यक्ति को हो सकता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक आएगा, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एनाफिलेक्टिक शॉक मतलब क्या होता है, वो कोरोना की वजह से नहीं है, कोरोना वैक्सीन की वजह से नहीं है, वो कोई भी वैक्सीन लो या कोई टीका लो, कोई इंजेक्शन लो, उसकी वजह से ये व्यक्ति को आ सकता है। व्यक्ति की प्रकृति ही वैसी है कि उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया तो वो शॉक आ जाता है। अभी वो शॉक आ गया मतलब उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, चक्कर आती है, तो उस समय बस उसको लिटाना है, पैर ऊपर करने का है उसको। डॉक्टर तो वहाँ होंगे, जब आप टीका लेंगे तो सलाइन लगा देंगे, इंजेक्शन देंगे। तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक जो है, ये शॉक 1 लाख में से एक व्यक्ति को आ सकता है। वो शॉक कोई कोविड वैक्सीन से नहीं आ रहा है, कोविशील्ड से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है कि वो प्रकृति जो व्यक्ति की है उसकी वजह से आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ऐसा कोई आप वहाँ होंगे या आपको खुद को ऐसा हो गया तो तुरंत लेट जाने का है। डॉक्टर तो वहाँ मौजूद होंगे, पैर ऊपर करेंगे, क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, पैर ऊपर करेंगे ताकि भेजे के तरफ, ब्रेन के तरफ ज़्यादा ब्लड सप्लाई चले जाएगा। सलाइन लगा देंगे डॉक्टर, इंजेक्शन एड्रेनलिन देते हैं जिसके वजह से वो शॉक में से बाहर आता है। उस वो भी कोई जान को खतरे वाला शॉक होता नहीं है, या मतलब कोई रिएक्शन होती नहीं है, तो उससे डरना नहीं है। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में गलत फहमियाँ ना फैलाते हुए, उसको ना डरते हुए, हर एक व्यक्ति ने ये टीका लगा के लेना चाहिए। ये वीडियो सबको फैलाओ, शेयर करो, ताकि लोग बिना डरे खुद वॉलेंटियर होकर वहाँ जाएंगे और वैक्सीन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।